कथनानुसार आज के इस वीडियो में आपको वाच्य बतलाऊंगी। तो सबसे पहले जाने कि वाच्य का अर्थ क्या होता है। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय या बोलने योग्य, किंतु व्याकरणिक दृष्टि से क्रिया के विधान को हम वाच्य कहते हैं। वाच्य क्रिया का ही एक रूप है। प्रायः वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है क्रिया उसी का अनुसरण करती है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, देव से चुप बैठा नहीं जाता। ये सब वाच्य के उदाहरण हैं। अब यहाँ देखिए वाच्य के कितने भेद हैं। वाच्य के तीन भेद हैं, तीन प्रकार हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो सबसे पहले हम कर्तृवाच्य के बारे में आपको बतलाएंगे। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो, जैसा कि हम आपको पहले बतला चुके हैं कि वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है क्रिया उसी का अनुसरण करती है, क्रिया उसी की अनुगामिनी होती है। तो क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है। क्रिया का लिंग वचन तथा पुरुष कर्ता के लिंग वचन तथा पुरुष के अनुसार होता है। एक चीज और याद रखें, इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। अब कैसे होता है इसको हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। चुप क्रिया हंसती है, यह अकर्मक क्रिया है। महिमा कॉमिक्स पढ़ती है, यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म सहित, जबकि अकर्मक का अर्थ होता है कर्म रहित। यहाँ देखिए सुप्रिया हंसती है, तो यहाँ पर अगर इसका हम प्रश्न तैयार करें, अगर प्रश्न तैयार करने में क्या लगेगा, किसे लगेगा, किसको लगेगा, और जब यह लगाने के बाद इसका उत्तर मिल जाता है, इसका उत्तर संज्ञा या सर्वनाम में आता है, तब वह सकर्मक क्रिया है, अन्यथा वह अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर सुप्रिया हंसती है, इसका उत्तर नहीं मिलता है तो यह अकर्मक क्रिया है। महिमा कॉमिक्स पढ़ती है, क्या किसको किसे लगाकर प्रश्न करने पर इसका उत्तर मिलता है, कॉमिक्स। यहाँ देखिए कभी कभी सकर्मक क्रिया में भी कर्म छुपा हुआ होता है। कैसे, वह गाता है तो यहाँ पर गीत छुपा हुआ है जो कि इसका कर्म है। वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर अगर पुस्तक को हम हटा दें, वह पढ़ता है, तो यहाँ पर भी कर्म छुपा हुआ है। तो कभी कभी सकर्मक क्रिया में भी कर्म छुपा हुआ रहता है। अब यहाँ देखें सुप्रिया हंसती है, जो एक क्रिया है यह सुप्रिया के अनुसार है, यानी कि कर्ता के अनुसार है। महिमा कॉमिक्स पढ़ती है, इसका लिंग वचन पुरुष सब कर्ता के अनुसार है, इसीलिए यह कर्तृवाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पर पढ़ता जो है वह मोहन के अनुसार है, न कि पुस्तक के अनुसार है, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है और मोहन पुल्लिंग है। तो वहाँ पर जो पढ़ता है क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार काम कर रही है, उसका लिंग वचन पुरुष सब कर्ता के अनुसार है, इसीलिए यह कर्तृवाच्य है। अब यहाँ देखें कर्मवाच्य के बारे में अब हम आपको बतलाएंगे। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया कर्म का अनुसरण करती है, इसमें क्रिया सदा सकर्मक होती है। हिंदी में प्रायः गर्व, दर्प या अधिकार जताने के लिए, असमर्थता व्यक्त करने के लिए, कानूनी या कार्यालयी भाषा को प्रकट करने में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे मेरे द्वारा रामायण पढ़ी गई, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, दादी को दवा दी गई, चिट्ठी भेजी गई, इस मामले की जांच की गई। इन सभी उदाहरणों में कर्म प्रधान है, क्योंकि क्रिया कर्म का अनुसरण कर रही है, और इसमें जितने भी उदाहरण हैं वह सभी सकर्मक हैं, यानी कर्म के
सहित है। यहाँ देखिए कर्म दवा है, पुस्तक है, चिट्ठी है, तो यह कर्मवाची। अब देखिए भाववाची। भाववाची में सदैव अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। हमें विश्वास है कि आप वाच्य की पहचान करना सीख गए होंगे, क्योंकि वाच्य की पहचान के बाद ही वाच्य परिवर्तन करना आसान होता है। तो अब मैं अगले वीडियो में वाच्य परिवर्तन करना सिखलाऊंगी कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन किया जाता है, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो आज यहीं तक।